मॉर्निंग क्लास सेकंड, बच्चों आप लोग सब अच्छे होंगे, घर पे रहकर पढ़ाइयाँ भी हो रही होगी और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज जो हम लोग रीडर में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो लेसन 11 है आप लोगों का। लेसन 11 का जो नाम है वो है अ फेयर। फेयर यानी होता है मेला। आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत मेले घूमे होंगे। अभी तो हम लोग जो बीमारी चल रही है इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे मेले देखे। तो ऐसे एक मेले की छोटी सी कहानी इसमें दी गई है बुक में, जो मैं आप लोगों के सामने रीड कर रही हूँ। आप लोग सब अपनी बुक्स ओपन करिए और चैप्टर निकालिए, लेसन 11 अ फेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिनपुर इज अ स्मॉल टाउन। एक जगह का नाम है दीनापुर, जो कि एक बहुत छोटा सा कस्बा है। देयर इज अ फेयर इन द दीनापुर और टूडे। यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था। पीपल आर गोइंग टू द फेयर। सभी लोग मेले में जा रहे थे। रमेश इज गोइंग टू द फेयर। रमेश जो एक व्यक्ति था वो भी मेले में जाता है। हिज वाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू द फेयर। उसकी पत्नी भी उनके साथ थी। हिज सन अनुज इज गोइंग विद दैम। और उनका बेटा अनुज भी था। अनुज सी द स्वीट शॉप। ही सेज बापू आई वॉन्ट स्वीट्स। रमेश से द स्वीट्स आर नॉट गुड। वो बच्चा जैसे ही मिठाई की दुकान पे पहुंचता और अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे ये मिठाई चाहिए, तो उसके पापा कहते हैं रमेश से द स्वीट्स आर नॉट गुड, ये मिठाइयाँ अच्छी नहीं है। अनुज सी स्विंग्स। अनुज आगे बढ़ता है तो उसे झूले दिखाई देते हैं। ही से बापू आई वॉन्ट टू स्विंग। मैं झूला झूलना चाहता हूँ। रमेश से यू आर यंग यू कैन नॉट सिट अलोन। तुम अभी छोटे हो, तुम अभी इसमें नहीं बैठ सकते। हेयर आर मैनी टॉय शॉप। वहीं पर एक खिलौनों की दुकान थी। अनुज स्टॉप देयर। अनुज वहीं रुक जाता है। ही लुक्स एट द टॉयज और वो खिलौनों को देखने लगता है। रमेश एंड हिज वाइफ गो अहेड। उस रमेश और उसकी पत्नी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अनुज लुक बिहाइंड। जैसे अनुज पीछे देखता है ही डज नॉट फाइंड हिज मदर फादर। वो अपने माता पिता को नहीं देखता वहाँ पर। ही वीप्स वो रोने लग जाता है। ही क्राइड लाउड वो बहुत जोर से रोता है। बापू माँ अपने पापा और मम्मा को आवाज़ लगाते हुए। एंड ओल्ड मैन कम्स हिम। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है। ही सेज वो उससे बोलता है डोंट क्राई रो मत आई विल टेक यू योर फादर। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊँगा। अनुज माँ जोर से माँ करके रोता है। ओल्ड मैन ईट स्वीट्स तुम्हें मिठाई खानी है। अनुज नो आई विल नॉट ईट आई वॉन्ट ओनली माई फादर। वो कहते हैं मुझे मिठाई नहीं खानी, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए हैं। ओल्ड मैन डू यू वॉन्ट स्विंग क्या तुम्हें झूला झूलना है। अनुज नो आई वॉन्ट माई फादर मैं मेरे पिताजी चाहता हूँ। जस्ट देन रमेश कम्स। इतने में रमेश वहाँ आ जाता है। अनुज रन्स टू हिम। अनुज जोर से भाग कर अपने पापा के पास जाता है। रमेश टेक्स हिम इन हिज आर्म्स और रमेश उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। तो बच्चों ये एक मेले में एक छोटे से बच्चे की कहानी है, जिसमें एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला घूमने जाता है। आप भी जाते होंगे वहाँ, दुकानें देख के आप लोग भी जिद करते होंगे। तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, जब भी मेला घूमने जाए, कैसे भी मेला, कोई भी मेला हो, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहें और जिद नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों ये छोटा सा चैप्टर है जिसको आप सुना होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। इससे रिलेटेड देखिए मैंने यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के लिए लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट मीनिंग मैंने लिखा है टाउन। यहाँ टाउन का मतलब होता है कस्बा, यानी छोटा सा टाउन होता है, जैसे गाँव होता है, गाँव से गाँव की तरह ही माना जाता है। फेयर यानी मेला, टुडे यानी आज, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, स्विंग यानी झूला, अलोन यानी अकेले, अहेड यानी आगे की ओर, बिहाइंड यानी पीछे की ओर, क्राई यानी रोना, आर्म्स यानी बाहें या भुजाएं। बच्चों ये चैप्टर सुनने के बाद आप अपने कॉपी में दिए गए टैन मीनिंग्स को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर करेंगे और इन टैन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से लर्न भी करना है। तो चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में दिए गए ये टैन वर्ड मीनिंग अच्छे से करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।